स्वागत है आपका RS एग्रीकल्चर द न्यू वे ऑफ लाइफ में। दोस्तों, अभी लेनोवो में विंडो 11 का अपडेट आया हुआ था, तो मैंने विंडो अपडेट किया। इसके बाद में मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम था क्रैश कर गया, इसमें मेरा पूरा डेटा का लॉस हो गया। और मेरे साथ में एक प्रॉब्लम आई कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि SSD शो हो रही है 256 GB की, और मेरा हार्ड डिस्क जो 1 TB का है वो अनअलोकेटेड आ रहा है। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, आज हम इसी के बारे में बात करना चाहेंगे। दोस्तों, अभी मैं आपको सलाह दूंगा कि अभी फ़िलहाल में अगर आपका PC सपोर्ट नहीं करता है विंडो 11 का, तो उसको अपडेट ना करें। दोस्तों, इसमें सीधा सा हमें ये देखना है कि दिस PC जो हमारा फोल्डर है उस पर राइट क्लिक करना है और मैनेज पे जाना है। मैनेज पे जाने के बाद पे दोस्तों आप आ जाएंगे डिस्क मैनेजमेंट पे। डिस्क मैनेजमेंट में आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, ये देखिए, आपको साफ साफ दिखेगा जो मेरा 1 TB का हार्ड डिस्क है वो अनअलोकेटेड आ रहा है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं दोस्तों। इस पर आपको राइट क्लिक करना है और न्यू सिंपल वॉल्यूम पे जाना है। यहाँ पर आपको देख सकते हैं, नेक्स्ट करेंगे, ये साइज पूछ रहा है, इसको भी नेक्स्ट कीजिए। NTFS मोस्टली प्रेफर्ड किया जाता है, और ड्राइव लेटर भी हम सिलेक्ट ऑटोमेटिक ही रहने देते हैं इसमें। और इसमें न्यू वॉल्यूम का हम नाम सेट कर सकते हैं दोस्तों। इसमें मैं RS एग्रीकल्चर नाम देना चाहूँगा, आप भी जो चाहें वो रख सकते हैं इसमें। इसके बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे, देन फिनिश पर क्लिक करेंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेगा दोस्तों फॉर्मेटिंग में। अब इसके बाद में देखिए दोस्तों, ये हमारा डिस्क दिख रहा है कि नहीं, इसको हम देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे बेसिक डाटा पार्टीशन करके आ रहा है, हेल्दी बेसिक डाटा पार्टीशन। इसको हम दिस PC पे एक बार चेक करते हैं, इसको हम कैंसिल करते हैं, दिस PC ओपन करते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा पूरा हार्ड डिस्क RS एग्रीकल्चर के नाम से पार्टीशन शो करके आ गया। इस प्रकार आप भी अपना अनलोकेटेड हार्ड डिस्क को लोकेटेड कर सकते हैं, या आपके लैपटॉप में जो शो नहीं हो रहा है हार्ड डिस्क, उसको आप शो कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आगे फिर मिलते हैं किसी ऐसी नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।